विधानसभा को पार्लियामेंट को इसके लिए कोई उचित आधार नहीं होना चाहिए और न करना चाहिए, ये कहीं न कहीं हमारे समझ से ये गलत हो रहा है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसर्ट्स। इन दिनों बिहार की राजनीति में झारखंड विधानसभा के मुद्दे चल रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिनों कुछ दिनों से जब से झारखंड विधानसभा में राजनीति को लेकर, खास करके नमाज पढ़ने को लेकर जो अलग से कक्ष की व्यवस्था की गई, उसके बाद से लगातार जो वहां के विपक्षी नेता थे वो लगातार हंगामा करने लगे, हनुमान चालीसा के नाम पर एक कक्ष बनाने की मांग करने लगे। अब उसकी शोर और पहल अब बिहार में भी दिखने लगी है। बिहार के कई नेता इसकी मांग भी कर रहे हैं कि बिहार में भी ऐसी व्यवस्था की जाए, तो कई नेता इसको पूरी तरीके से नकार रहे हैं और बता रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लेकिन अब इस पूरे मसले पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। देखिए, हम भी बात सुने हैं, इस पर बहुत अभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर चीज का प्लेटफॉर्म होता है। अब मंदिर है तो मंदिर है, मस्जिद है तो मस्जिद है, उसका एक स्थान है। और किसी वैसे जगहों में जहाँ पर इस तरह की बात हुई है माइनॉरिटी भाइयों के लिए, और उसमें कल मैं सिख बंधु लोग भी बोलेंगे, परसों और लोग बोलेंगे, ईसाई लोग भी बोलेंगे, तो मेरे समझ से ये चीज़ ठीक नहीं है कि हम विधानसभा में या पार्लियामेंट में इस तरह का कोई बाथरूम करें कि हाँ साहब हमको नमाज पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, हमको वहाँ घड़ी घंट में जाने के दीजिए। आज देख तो रहे थे वहाँ कि बड़े बड़े चंदन लगा के समुचैया में लगा है कि वहाँ पर साधु संतों का जमात हो गया है। तो कम से कम विधानसभा को और पार्लियामेंट को इसके लिए कोई उचित आधार नहीं होना चाहिए और न करना चाहिए, ये कहीं न कहीं हमारे समझ से ये गलत हो रहा है। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने क्या कहा, उनका साफ तौर से कहना है कि ये जो हो रहा है ये सरासर गलत है। बात अगर नमाज पढ़ने की हो या फिर हनुमान चालीसा की, अगर इसकी व्यवस्था की गई तो आगे जाके चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, हर लोग अपने अपने धर्म के लिए अपनी अपनी मांग रखेंगे और बोलेंगे कि विधानसभा में एक ऐसी जगह दी जाए। लेकिन जो गलत है, विधानसभा में जो काम चलती है वो उसी के लिए बनी है, वहां लोकतंत्र स्थापित है और लोकतंत्र में जाति धर्म और संप्रदाय के नाम पर राजनीति करना बहुत गलत है। इसलिए जीतन राम मांझी ने इस मुद्दे को, इस पहल को सीधे से नकार दिया है। जब मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल किया कि बीजेपी विधायक ये मांग कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ाने के लिए भी बिहार विधानसभा में जगह दी जाए, तो उन्होंने इस बात को भी सिरे से इनकार करते हुए कहा कि अगर ये मांग पूरी की गई तो बाकी जो धर्म के लोग हैं उनकी भी मांग पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए ये मांग सरासर गलत है और ऐसी कोई मांग नहीं उठनी चाहिए और विधानसभा में न ही ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल बिहार इंसॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।